पिछले 3 दिनों से नगर निगम रानी लक्ष्मी बाई पार्क में अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट में स्वीकृत कराकर लागू कराने के लिए क्रमिक अनशन पर बैठे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदेशव्यापी क्रमिक अनशन के दौरान कहा कि जब तक पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रमुख महासचिव अनोखे लाल राजभर ने कहा, भारतीय समाज पार्टी हमारी मांगे पूरी हो, समाज पार्टी केशव राजभर जिंदाबाद, मनोज चौहान जिंदाबाद, सुभाष पासवान जिंदाबाद, मदन राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, जय राम मंजूरी हो, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। हमारा नाम अनोखेलाल राजभर है और लक्ष्मी बाई पार्क नगर निगम में हम 24 तारीख से क्रमिक धरने पर हम बैठे हैं और हमारा धरना लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। पिछड़ी जाति का 27% जो आरक्षण है उसके बंटवारे के लिए राज्य सरकार ने न्याय समिति का गठन किया था। न्याय समिति ने पूरे प्रदेश के पिछड़ी जाति के दशा और दिशा का अध्ययन करके न्याय समिति अपनी रिपोर्ट वर्गीकरण के स्वरूप में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है, उसी के क्रम में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन हम तब तक करते रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश सरकार न्याय समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट में पारित करवा के सभी जिला अधिकारी महोदय के टेबल पर उसका आदेश प्रस्तुत नहीं कर देती है। तब तक हमारा यह धरना प्रदर्शन लक्ष्मी बाई पार्क नगर निगम में निरंतर चलता रहेगा। कहां कहां से आज आप लोग आए हैं? आज हम चौरी चौरा के ऐतिहासिक धरती के कार्यकर्ता और समाज के शोषित वंचित पिछड़े पिछाड़े गए लोग आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आज यहां धरने में शामिल हैं।